नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टॉप गुरुज। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको फेसबुक पे ऐड अकाउंट कैसे बनाना है और एड्स जो भी होते हैं उनके बारे में आपको एक ऊपर ही छोटा छोटा ओवरव्यू दूंगा ताकि हर एड्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। फिर हम बाद में एक एक स्पेसिफिक करके सबके ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहले आपको बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना ताकि आप आसानी से चीज़ों के बारे में बता सकें, लेकिन सेकेंड स्टेप जो आज वो है आपको अपना ऐड अकाउंट कैसे बनाना है। एड अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ तो पूरा सीख लीजिए, बहुत छोटी वीडियो है, फटाफट आप सीख जाएंगे, मिनट आप सबको सीख जाएंगे, तो वो जाके देखिए और समझिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको फेसबुक अपना एड मैनेजर अकाउंट क्यों बनाना है, क्यों बनाना है और कैसे बनाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। तो देखो दोस्तों, क्यों बनाने का मतलब क्या होता है कि अगर आप कभी भी अपने फेसबुक पर ब्रांडिंग्स करना चाहते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट एड्स रन करना चाहते हैं या फिर आप कैंपेन्स रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका फेसबुक पर एड अकाउंट होना बहुत जरूरी है। एड अकाउंट के बेनिफिट्स एक बार फिर आपको बता देता हूँ। दोस्तों एड अकाउंट के बेनिफिट्स ये होते हैं कि कई बार क्या होता है, हमें कई चीज़ों के प्रमोशन करने होते हैं, कई चीज़ों की हमें ब्रांडिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास एड अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका एड अकाउंट होना बहुत जरूरी है। आप खुद भी चला सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बिगनर हैं, या फिर आप अपना आप सीखना चाहते हैं कि फेसबुक पे एड्स कैसे चलाए जाएं, तो आप ये वीडियो में पहले एड का अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद सारे एक एक करके हम सबसे एक एक चीज आपको बता देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में एड मैनेजर अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, करते हैं शुरुआत। दोस्तों एक मेरे डमी अकाउंट है, इसके थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। दोस्तों फेसबुक आपने ओपन कर रखा हो, कुछ इस तरीके ही आपके सामने ओपन होता होगा। यहाँ पे सर्च, यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो होम, फिर क्रिएट, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो उसके एंड में आप देखिएगा एक ऑप्शन होता है यहाँ पे एरो टाइप, उस पर आप क्लिक करेंगे जैसी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, इस पर आप क्लिक करिए। और जैसे आप एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। बिल्कुल नया पेज खुलने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे पूछता है कि आपको अपना एक ऐड बनाने हैं तो आप कैसे बनाएं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, सारे पेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, व्हाट्सअप फॉर जो भी आपके ऑडियंस है, इस तरीके से आप सारी चीज़ों को एक बार रीड द न्यूज़ सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन ऐड। तो जैसे ही आप क्रिएट एन ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आपको फिर एक नए पेज पे ले जाएगा, और नए पेज पे ले जाने का मतलब है कि आपका एड मैनेजर अकाउंट लगभग बन चुका है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, इसका मतलब दोस्तों आपका ये, जैसे आप मेरा, आप जब इस आपकी स्क्रीन पे भी कुछ इस तरीके का जब आ जाए तो आप समझिएगा आपका एड मैनेजर अकाउंट बन चुका है। कैसे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, जो आईडी है इसका नाम है साक्षी मल्होत्रा, और जो इसका एड मैनेजर अकाउंट का नंबर, अकाउंट नंबर मिला है वो ये है। तो इसका मतलब आपका भी एक एड मैनेजर पे अकाउंट बन चुका है। आप भी एक प्रमोशंस, अपने जो भी आप प्रमोशंस वगैरह, बिजनेस वगैरह के लिए, बिजनेस या सर्विसेज के लिए आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एड्स हैं, मैं उनके बारे में आपको फटाफट से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर एक एक ऐड के बारे में मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं किसी की कोई वीडियो में पहले बनाऊँ, कुछ वीडियो बाद में बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा सबसे पहले आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख के मैं उस हिसाब से आपकी वीडियोस बना दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बात करते हैं, जैसे ऐड यहाँ पे मैंने न्यू कैंपेन बनाया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है व्हाट योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों सबसे पहले आता है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस मतलब होता है क्या आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप ब्रांड किसके बारे में बताना चाहते हैं, या फिर ये ब्रांड के प्रमोशन करना चाहते हैं स्पेसिफिक जगह के बारे, जगह के लिए आप चाहते हैं भाई, जैसे सपोज करिए आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, या फिर आप दिल्ली में रहते हैं, या फिर आप रजौरी गार्डन रहते हैं, आप चाहते हैं भाई रजौरी गार्डन में अपना ही ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, उसके लिए आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। रीच, रीच मतलब आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रीच के लिए कैंपेन चलाएंगे। वहीं अगर आप ट्रैफिक के लिए बात करें तो ट्रैफिक मतलब अगर आप वेबसाइट पर अपने चाहते हैं, आप किसी लैंडिंग पेज पर अपने ट्रैफिक चाहते हैं, या फिर आप किसी ऐप पे, या फिर आप किसी भी चीज़ पर अपने ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं, उसके लिए आप ट्रैफिक के लिए ऐड चलाएंगे। इसमें दोस्तों लीड कन्वर्जन के लिए भी, लीड जनरेशन के लिए, और उसके लिए भी ऐड चलता है लीड जनरेशन के लिए, ट्रैफिक ट्रैफिक में भी। उसके नीचे दोस्तों आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, एंगेजमेंट का मतलब आप सोचेंगे रीच और एंगेजमेंट, कई लोगों को नहीं पता होता, लोग कन्फ्यूज जाते हैं, तो मैं क्लियर करूं दोस्तों, रीच का मतलब होता है कि चीज़ों तक पहुँचना, मतलब उस बंदा, वो बंदा आपकी चीज़ तक उसने पहुँचा जरूर है, बट उसने कोई एंगेज नहीं हुआ। एंगेज मतलब होता है लाइक, कमेंट, शेयर, या फिर आपकी कोई लोकेशन आपने को डाली वो देखना, इस तरीके से एंगेजमेंट का मतलब होता है उसने अगर लाइक किया है, उसने शेयर किया, उसने कमेंट किया आपकी वीडियोस पे, या फिर आपकी स्टोरी पे, या फिर आपके ऐड पे, तो वो एंगेजमेंट हो जाता है।
ठीक है दोस्तों। तो एंगेजमेंट ऐड चलाना चाहते हैं आप, चाहते हैं लोग उससे एंगेज हो, लोग अवेयर हो, इस तरीके से आप एंगेज भी चला सकते हैं। वहीं आप चाहते हैं कोई आपका, आप लोगों को ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, कोई आप मार्केट में अच्छा ऐप लेके आए तो उस तरीके से आप ऐप इंस्टॉल ऐड चला सकते हैं। वीडियोज व्यूज, आप कोई वीडियोज पे ज्यादा व्यूज लगाना चाह रहे हो तो वीडियो व्यूज भी ऐड चला सकते हैं। लीड जनरेशन, आप चाहते हैं भाई मेरे पास लीड्स आ जाए, मैं उनको कन्वर्ट कर लूंगा, मेरे पास टीम बैठी हुई है, लेकिन आप लीड्स, उसके लिए लीड जनरेशन ऐड चला सकते हैं। मैसेज के लिए आप ऐड चला सकते हैं, मैसेज के थ्रू कन्वर्जन कर सकते हैं, उसके लिए ऐड चला सकते हैं। वहीं कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन अगर आप चाहते हैं कोई लीड या कन्वर्जन आपके लिए हो जाए तो उसके लिए आप कन्वर्जन का ऐड चला सकते हैं। ये कैटलॉग सेल्स के लिए, मतलब ई मार्केट जो भी हम देखते हैं कि अमेजोन वगैरह के लिए या फिर ई कॉमर्स वगैरह के लिए चलता है, उसके लिए हम कैटलॉग सेल्स के लिए वगैरह चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्टोर ट्रैफिक, स्टोर ट्रैफिक मतलब होता है दोस्तों अगर कोई स्पेसिफिक स्टोर है यहाँ पे, आप चाहते हैं उसके लिए उसका ट्रैफिक बढ़ जाए, उस पर लोग विजिट ज़्यादा करें, इस तरीके से हम उसके लिए स्टोर ट्रैफिक भी चला सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि इस तरीके से क्या क्या ऐड है। मैं एक एक करके सबके ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाके वहाँ सारे आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैंने बताया आपको ऐड मैनेजर अकाउंट कैसे बनाना है। अपनी आईडी भी यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंट नंबर पर जाके अपने यहाँ पे आप जैसे भी क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको बताया मैंने ऐड मैनेजर अकाउंट कैसे बनाया, उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिया होगा। अगर आपको तभी कोई प्रॉब्लम है या क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, ताकि हमारी जो भी कोई नई वीडियो है सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टॉप गुरुज आपको दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। दोस्तों ले लीजिए, बहुत काम की चीज है, और हम चाहते हैं जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आपके लिए कुछ लेके आऊंगा नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करिए सबको फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।